से जुड़े हैं सईद मोहम्मद रफीक, जो एमएलसी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं। इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ जो मुद्दे हैं यहाँ पर कश्मीर के, उनसे बात करके देखेंगे कि इनकी क्या राय है। सईद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी इस नशरियात में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो 370 यहाँ से हट गया, वहाँ से आज तक जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे कश्मीर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इकोनॉमी को कैसे हम आगे ले जाएंगे। देखिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं ज़राया, और ज़राया तब पैदा हो सकते हैं जब आवाम का साथ हो और आवाम एक पुरसकून, पुरएतमाद और अमन के माहौल में हों। अभी तो जो आम आवाम है, दफ़ा 370 के हटाने के बाद आवाम इज़्तिराब का शिकार है, अदम एतमाद का शिकार है, बेयकीनी का शिकार है और खौफ व हिरास का शिकार है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने, हिंदुस्तान की हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादे किए हैं, उस वक़्त जब जम्मू कश्मीर का इलाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उस वक़्त कुछ शर्त व शराइत तय हुए थे, कुछ वादे हुए थे, वो सारे वादे जो हैं तोड़ दिए गए मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से, मरकज़ी हुकूमतों की तरफ से। वक्तन फवक्तन हर वादे में, हर माहदे में सेंध लगाई गई एक तरफा तौर। तो आवाम इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब एक शर्मनाक सी सूरत हाल महसूस कर रही है और अदम एतमाद का शिकार हो चुकी है। शाह साहब, अगर देखेंगे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ब्लेम किया जा रहा है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। एक मसला था, आप बता रहे थे ऑटोनॉमी, अभी ऑटोनॉमी मतलब जब आप रूल करते हैं, जब आप पावर में आते हैं, ऑटोनॉमी का कहीं जिक्र नहीं होता है फिर। लेकिन आपके जो सरपरस्त है डॉक्टर फारूक साहब, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वहाँ पर कोई बात नहीं करते हैं, वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह की बात की, वो लीडर थे और वो टॉलेस्ट लीडर ऑफ द एशिया थे जिनको अवामी एतमाद हासिल था, लेकिन उसके बाद भी वो बशर थे। अब देखिए, जहाँ तक ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के दो पार्टियाँ होती हैं, दो पार्टियाँ, उनको पार्टीज टू द एग्रीमेंट कहा जाता है। अब ऑटोनॉमी तो हमारे पास थी, दाखिली खुद मुख्तियारी थी जम्मू कश्मीर के पास, और वो उस वक्त जो माहिदा हुआ था, जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको विटनेस किया था, और उसकी एक पार्टी थी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, जम्मू कश्मीर के आवाम, और दूसरी पार्टी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी। लेकिन आपने तो कई डिकेडों तक यहाँ पर रूल किया, फिर पावर में आते आपने ऑटोनॉमी को बुला दिया, ऑटोनॉमी की बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जब आपसे, आप पावर से दूर हो रहे हैं, तो फिर से ऑटोनॉमी की बात या कोई और मुद्दे उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, हकीकत यह है कि यहाँ पर एक बात आवाम के सामने नहीं है, वो हकीकत यह है कि अक्सर प्रोपगंडा किया जाता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टरशिप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ख़त्म किया, ऐसा नहीं है। 53 में शेर कश्मीर को गिरफ्तार किया गया गुलमर्ग से, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर थे, और जब शेर कश्मीर 22 साल के बाद रिलीज़ होते हैं, उस वक़्त यहाँ उससे पहले ही यहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हो गई थी। तो जहाँ तक ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हमेशा ही जो है ऑटोनॉमी का मुद्दा ज़िंदा रखा है, और हमारा जो दावा रहा है वो ऑटोनॉमी का है। जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है कि यहाँ प्रेसिडेंटशिप थी, यहाँ पर जो था प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर हमारे दाखिली कानून अपने थे, रियासत का झंडा अपना था, रियासत का जो आईन है वो अपना था, उसको बहाल किया जाए, वही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन है आपके स्टेटमेंट में। क्या आप प्री अगस्त 5 पोजीशन चाहते हैं कि ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये लोगों को थोड़ा सा वाजिया कीजिए। और नंबर एक, नंबर दो, ये सवाल मैंने किया कि फारूक अब्दुल्ला साहब चुप कर क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में, क्यों बात नहीं कर रहे हैं इस पर? आपके दो सवाल है, मैं जवाब दे दूंगा। प्री अगस्त फायो जो है, फायो अगस्त 2019 वो नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी नस्बुलैन है, जो मुद्दा और मकसद है, वो है इटोनॉमी जो इन्होंने छीनी है जम्मू कश्मीर के आवाम से, दाखली खुद मुख्तियारी जिसको कहते हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब का जहाँ तक सवाल है,
फारूक अब्दुल्ला साहब चुप करके नहीं बैठे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने मसाइल उठाए, मसले उठाए, बात की, अवाम की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में की। इसके अलावा क्या करने चाहिए? वहाँ तो कोई कुश्ती करनी नहीं होती है, वहाँ आपने कानून की जंग लड़नी है, आइन की जंग लड़नी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो कानून की जंग, आइन की जंग ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। अब जहाँ पर दूसरी तरफ से लोग अपने ही वादे से मुनर्फ हो रहे हैं, अपनी की गई बातों को वापस ले रहे हैं, उनसे इनकार कर रहे हैं जो वादे उन्होंने किए हैं, वहाँ पर आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक आप आवाज़ उठा सकते हैं और एक आप कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। तो मामला कोर्ट में है। तो आवाज़ तो आपने उठाई नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो जैसे हमने सुना है कि वहाँ पर बात नहीं हुई है पार्लियामेंट में। अब कोर्ट में ये मसला है कि आपको कोर्ट पर एतमाद है कि मतलब जो वहाँ से डिसीजन आएगा आप उसका मतलब एक्सेप्टेंस करेंगे? आवाज़ उठाई, ये प्रोपगंडा है, आवाज़ नहीं उठाई, वहाँ कोई भी सोया हुआ नहीं था, आवाज़ उठाई। कोर्ट का जो है एक्सेप्टेंस का सवाल, कोर्ट जो है सबसे बाला है, कानून सबके ऊपर है, लेकिन कोर्ट से हम यही तौकात करेंगे कि वो माजी के जो माहिदे हैं, एग्रीमेंट हैं, जो सही एग्रीमेंट हैं, उनकी रोशनी में फैसला देकर हमारी पोजीशन को, यानी इटानमी को, यानी प्री 53 की पोजीशन को बहाल करेगा कोर्ट इंशाल्लाह, और वही फैसला होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, जैसे कि अभी हमने अपनी पार्टी से बात की तो उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हम नहीं हैं, गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन एक फ़ायदा है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए? देखिए जी, गुपकार डिक्लेरेशन कोई फ़ायदे या नुकसान की दुकान नहीं है, ये एक इतिहाद है तमाम मेन स्ट्रीम लीडरों का। वो इसलिए इस मुद्दे को लेकर जो रियासत की पोजीशन मशक की गई, जो हमारी अटानमी को मशक किया गया है, उसकी बहाली के लिए एक कोशिश है। नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे अपनी पार्टी है वो बता रहे कि अपने मुफाद के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखिए अपनी पार्टी ठीक है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल आइडेंटिटी का ताल्लुक है, आपके पास पब्लिक मैंडेट होना चाहिए। अपनी पार्टी है हमें सिर अंकों पर, लेकिन वो तो कल आए हैं बेचारे ना, वो पहले पब्लिक मैंडेट हासिल तो करें ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं मानता हूँ, मैं इसको दूध की धुली हुई नहीं कहता हूँ, ना मैं कांग्रेस को कहूँगा दूध की धुली, ना मैं उसको कहूँगा जो हमारे तारेगामी साहब हैं, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक मैंडेट तो है उनके पास ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पब्लिक मैंडेट तो है। मेरी अपनी पार्टी से यही दरख्वास्त है, वो जाकर पहले पब्लिक में मैंडेट हासिल करे ना। पार्टी तो मैं भी कल डिक्लेयर कर सकता हूँ, पब्लिक मैंडेट नहीं है उसको तो पार्टी नहीं कहा जा सकता। इसमें आप मुल्क ले लो, उसमें होती है डी फैक्टो एंड डी जूर रिकॉग्निजेशन, पार्टी ले लो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन होती है फिर रिकॉग्निजेशन, रिकॉग्निजेशन जब होती है तब पब्लिक से आप एक कोई परसेंटेज मुकरर है वो आप वोट लेकर आते हैं, आप पब्लिक के नुमाइंदे बनकर आते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना दुनिया में, मैं उठकर ऐलान कर दूँ, अभी मैं उठकर बोलूँगा नहीं जी हम इसको एक रियासत को कुछ भी करने वैसा नहीं चलेगा, आपके पास पब्लिक मैंडेट होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर सईद रफीक शाह, जिन्होंने काफ़ी एक जो खुलासे यहाँ पर किए, उन्होंने एक तरह से बताया कि कल की ये अपनी पार्टी है तो इनको अभी पॉलिटिकली कुछ पता नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम प्री अगस्त 5 पोजिशन के साथ नहीं है, जबकि हमें ऑटोनॉमी की ही मांग है अभी तक। JKEC News, फरदोस लाई, श्रीनगर।